बेटवा नगर और क्षेत्र में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण दहन के आयोजन हुए। बेटवा नगर का सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा जो हर साल आयोजन होता है, वो इस वर्ष कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। जो एक ऐतिहासिक दशहरा होता है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो 300 मीटर की जो खड़ी चढ़ाई आपको दिख रही है, इस पर हर साल एक दौड़ होती है। घुड़सवार जो होते हैं यहाँ से ऊपर तक आते हैं, और इसमें ये 150 मीटर की चढ़ाई जो होती है, ये खड़ी चढ़ाई होती है, जिसपे यहाँ पर जो भी घुड़सवार होता है वो यहाँ इस पर अपने घोड़ों को दौड़ाता है, और दौड़ने के बाद में वो यहाँ आकर के जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन 2 वर्ष से कोरोना की गाइडलाइन के चलते यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी दर्शकों का उत्साह बना हुआ है। यहाँ जो भीड़ होती है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मेले में भी लोग बहुत आए हुए हैं, और आगे की जानकारी हम जो है दशहरा जहाँ पर जलेगा, यहाँ पर आज 51 फीट का दशहरा रावण दहन किया जाएगा, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा दशहरे के अवसर पर आतिशबाजी कर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। दशहरा समिति संचालन रामनिवास दाऊ ने बताया कि इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन के तहत अमन चमन टेकड़ी पर दशहरा मैदान बरसात की पूर्ण ढंग से मनाया गया। वहीं हर वर्ष होने वाले 3 चक्रों में घुड़दौड़ प्रतियोगिता और निशानेबाजी का आयोजन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी नहीं हो पाया। वहीं पुलिस और प्रशासन का अमला इस अवसर पर पूरे समय मुस्तैद दिखाई दिया। बेटवा में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी तैयारी है। और इस समय मेरे साथ मौजूद है देपालपुर क्षेत्र से एसडीओपी मैडम श्री नीलम कनौजी, हम उनसे बात करेंगे इस आयोजन के बारे में। जी मैडम, बताइए आज के आयोजन के बारे में, क्या थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जो रंग जो है वो हर बार की तुलना में थोड़ा फीका दिख रहा है कोरोना की वजह से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सभी लोग जानते हैं, चूँकि अभी कोविड चल रहा है तो हमारे सारे त्योहारों के रंग थोड़े से फीके ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक अनुमति मिल गई है तो ये बहुत अच्छा एक मौका है कि लोगों को ये रावण दहन देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे माहौल सुधरता जाएगा, आई थिंक हम लोग इन पर्वों को और अच्छे बेहतर तरीके में इंजॉय कर पाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम दशहरे का त्यौहार मनाते क्यों हैं, ताकि हम असत्य पे सत्य की जीत को सेलिब्रेट कर सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो ये देखा आपने, हमारे बीच में मैडम थे जो बता रहे थे कि इस वर्ष दशहरे का आयोजन थोड़ा सा फीका है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन के चलते थोड़ा सा जो अनुमति मिली है उसके बाद भी ये थोड़ा आयोजन किया जा रहा है। हम मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो जनता आती है वो इस वर्ष भी थोड़ी है, लेकिन थोड़ा कम दिख रही है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह बना हुआ है। कुछ ही समय में रावण दहन होगा, उससे पहले जो आतिशबाजी वो शुरू हो चुकी है। अब ज़्यादा समय नहीं है रावण के जलने में, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि साइड में आपको 51 फीट का रावण भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ समय में जलेगा। और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कैमरा पर्सन सुनील मेघाया के साथ राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दशहरा मैदान के अलावा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर रावण दहन के आयोजन हुए। गली मोहल्ले और कॉलोनियों के बालकों द्वारा कई दिनों की मेहनत के बाद घास और लकड़ी का उपयोग कर रावण का पुतला तैयार किया गया, जिसे बाद में दहन किया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आयोजन किया जा रहा है अभी थोड़ी देर में, और भारी संख्या में यहाँ पे आसपास के जो जनसमूह उपस्थित हैं, मैं सभी को यहाँ पर दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा कमी है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कोरोना ठीक होगा और बीमारियां का डर जैसे कम होगा। तो लेकिन थोड़ी नाराजगी प्रशासन को लेकर कि जो है अपना कार्यक्रम हमेशा की तरह नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? पब्लिक की नाराजगी इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी का बचाव पहले है, है ना। धीरे धीरे बीमारियों में आप देख रहे हैं कमी आ रही है, और ये पब्लिक के कारण आ रही है। पब्लिक ने जो संयम बरता, लोगों ने ध्यान दिया, इस कारण से आज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ शून्य हो चुका है। और जैसे ही शासन और सरकार इसकी घोषणा करती है कोरोना समाप्त हो चुका है, हमारे आने वाले उत्सव में पुराने रंग से पुराने उत्साह के साथ मनाएंगे। मेरी सभी को पुनः शुभकामनाएं। आपका नाम? बेटवा नगर के सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष मनाए जाने वाले दशहरा में आज आपको उत्साह का रौनक कम देखने को मिल रही होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके की जनता दिखाई दे रही है यहाँ पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पर अच्छा आयोजन होगा, और इस वर्ष यहाँ पर पिछले वर्ष की जिस तरीके से पिछले वर्ष कोरोना की गाइडलाइन के तहत यहाँ पर निशानेबाजी नहीं हो पाई थी, इस वर्ष यहाँ पर भी
इस वर्ष भी वो चीज़ नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं, दर्शकगण मौजूद है। कुछ ही समय में रावण दहन होगा। मैं आपको इस दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कैमरा पर्सन सुनील मेघाया के साथ राजेंद्र सूर्यवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।